हाँ, तो हमने कल दशम अध्याय का 13वां श्लोक से लेके अंत तक हमने चर्चा किया था, जिसमें भगवान के अलग अलग विभूति जो है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम 11वां अध्याय का चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान का जो विराट रूप है, भगवान का जो विश्व रूप है, उसके बारे में वो किस प्रकार से अर्जुन को भगवान प्रकट करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ तो अध्याय 11 विराट रूप, या इसको विश्व रूप बोलते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद अनुवाद और पढ़ेंगे, चर्चा करके फिर तात्पर्य में जाएंगे। मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्तोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतः मम। पढ़िए। अरे देखिए, हरे अर्जुन कृष्ण। ने आपने जिन अत्यंत गहन आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। धन्यवाद। हम तात्पर्य में जाएंगे, थोड़ा चर्चा करके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक से लेके 8वां श्लोक तक अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में और अपने विश्व रूप का दर्शन के लिए भगवान रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, हम इस चैप्टर का थोड़ा ब्रेकअप देखेंगे, किस प्रकार से इसमें श्लोक की संरचना हुई है उसको देखेंगे। 1 मिनट। ठीक है, इसमें पहले पहला श्लोक से लेकर 8वां श्लोक तक अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, या उनको पूछते हैं, इनको प्रार्थना करते हैं कि अपना जो विश्व रूप है उसका दर्शन कराएं। और 9 से लेकर 31 तक संजय जो है वो धृतराष्ट्र के पास बैठ के जो भगवद गीता का जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अपना दिव्य चक्षु से, जो कि उनको व्यासदेव जी ने प्रदान किया है। तो संजय अर्जुन ने जो देखा कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में, वो संजय बतलाते हैं। फिर 32 से लेकर 34 में भगवान कृष्ण बोलते हैं किस प्रकार से वो समय है और वो हर चीज को क्षय कर रहे हैं। तो अर्जुन को बोलते हैं आप केवल मेरा निमित्त बनो। 35 से लेकर 46 में अर्जुन के प्रार्थनाएं हैं, और 47 से लेकर 55 तक ये बताया जाता है कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के सौम्य बपू या मधुर रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोकों का संरचना है 11वां अध्याय में। ठीक है, ओके। तो मद अनुग्रहाय परमम, आपके अनुग्रह से मेरा जो मोह है वो चला गया। अर्जुन क्या बता रहे हैं कि मद अनुग्रहाय परमम है ना, गुह्यम आध्यात्म संगीतम, आपने जो गुह्य ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान जो मुझे, जिसको आध्यात्म ज्ञान से जाना जाता है, वो ज्ञान आपने मुझे गुह्य ज्ञान प्रदान किया, जैसे अहम सर्वस्व को, जो हरे कृष्णा, कोई म्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो गुह्यम आध्यात्म संगीतम, आपने आध्यात्म ज्ञान मुझे प्रदान किया 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, इस प्रकार से। और उससे क्या हुआ, यत्वा उक्तम बच तेना मोहयम विगतः मम, मोह विगतः, मोह क्या हुआ, मोह चला गया अर्जुन का। तो ये जो फिर भी 10वें अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं भगवान को, केशु केशु च भावेशु, किस किस रूप में मैं आपका ध्यान कर सकता हूं, फिर भगवान अपने विभूति के बारे में वर्णना करते हैं। वो सुनने के बाद अर्जुन का, एक्चुअली अर्जुन का मोह चतुश्लोकी सुनने के बाद ही चला जाता है, जब वो बोलते हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान, हे भगवान आप परम दिव्य है, आप अपरम धाम है, आप आदि देव हैं, आप अज हैं, आपके विभू हैं, और ऐसा मैं खाली नहीं बोल रहा हूं। तो फिर आगे के जो भी अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं, ये जो भगवान का विश्व रूप दर्शन,
क्या अर्जुन अपने लिए पूछ रहे हैं या किस लिए पूछ रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आप तात्पर्य पढ़िए इस अध्याय में। इस अध्याय में कृष्ण को श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं, जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। और जहाँ अर्जुन की बात है, पढ़ो। हाँ पढ़िए ना, पढ़िए पूरा पढ़िए। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह श्री कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे श्री कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह श्री कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, इस अध्याय में वह सबों के लिए श्री कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन को ही अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के विराट रूप पर दर्शन करता है तो वह डर जाता है। किंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए सब कुछ बता रहे हैं। अच्छा, अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान धन्यवाद। है। हरे कृष्ण। तो देखिए, अर्जुन को संपूर्णतया ज्ञान हो चुका है, अर्जुन प्रबुद्ध हो चुका है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, क्योंकि उसे पता है, कृष्ण बताए हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सारे चीजों का कारण हूं, मैं ही सारे सृष्टि का निर्माता हूं सब। लेकिन दूसरों के लिए वो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं, एक निकस, एक क्राइटेरिया, क्राइटेरियन स्थापन करने के लिए, एक निकष स्थापन करने के लिए, जिससे कि ये पता चले कि भगवान कौन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कलयुग में है ना, कलयुग में हम देखते हैं कि ये तो एक इस तरह से एक फैशन हो गया है, मैं भगवान हूं बोल के। कई सारे भगवान मिलेंगे आपको कलयुग में, है ना, अम्मा भगवान, अप्पा भगवान इत्यादि अनेक सारे भगवान मिलेंगे। तो किसको भगवान करके माने? तो इसके लिए ये आगे हम चर्चा करेंगे कि ये भक्तों को क्या ये विश्व रूप देखने में बहुत आनंद आता है, या भक्तों को इसको देखने में काफी रुचि रहता है या नहीं रहता है, या देवताओं को देखने में रुचि रहता है। तो इसके बहुत जरूरी चीज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विश्व रूप जो है, इसमें सारे चीजों के स्रोत भगवान किस प्रकार से हैं वो यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं भगवान। ये विश्व रूप दर्शन करा के सारे देवी, सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे पशु, सारे पंछी, ये भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड, अलग अलग लोग, उनमें सिद्ध, उनमें चारण, अलग सारा ब्रह्मांड एक जगह पे भगवान दिखा रहे हैं विश्व रूप के माध्यम से, है ना। और जब भगवान विश्व रूप दिखाते हैं तो फिर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं बाद में, जब काल, पहले विश्व रूप दिखाते हैं, बाद में काल रूप दिखाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। और वो दिखाने के बाद अर्जुन इतना भयभीत हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हे भगवान, आपका जो सौम्य बपू है उसका दर्शन कराइए मुझे। तो इसीलिए कोई भी इस प्रकार से बोलता है, मैं भगवान हूं, आओ मेरा शरण ले लो, या फिर पोस्टर लगे रहते हैं कि भगवान पुणे आ रहे हैं इस प्रकार से, और फिर हजारों लोगों की जो है लाइन लग जाती है भगवान के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका घुटने का दर्द ठीक किया है, उन्होंने उनका घर घर लोन चाहिए था वो मिल गया, या कुछ धन चाहिए था वो मिल गया, इसलिए अभी भगवान है। तो ऐसे ऐसे भगवान आते जाते रहते हैं, तो उनको पूछना चाहिए। इसीलिए विश्व रूप दर्शन बहुत जरूरी है भक्तों को समझना, हालांकि भक्तों को विश्व रूप देखने में रुचि नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। भवापाया ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरस्य मया तत्वकमलपत्राक्ष मह्यात्मम अपि च अव्ययम्। हाँ, साध्वी लक्ष्मी प्रिया माता, हे कमलनयन, हाँ मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं?
कि मैंने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपका अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं कि मैंने आपसे बहुत विस्तार से सुना है कि आप सृष्टि और संहार के कारण हैं और सारे जीवात्मा आपसे ही आते हैं, जो हम बीच के जो 6 अध्याय में सुना है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, इस प्रकार का जो श्लोक है इसमें सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि सृष्टि करने के बाद भी आप उससे जो है आप विराग विरक्ति के भाव में रहते हैं, हालांकि आप इसके सृष्टिकर्ता हैं, आप इसके संहार करता हैं, और मया ततम इदम सर्वम, पूरा सृष्टि में आप फैले हुए हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नाति धनंजय, ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। तो ये सारे चीज मैंने आपसे सुना है बोल के अर्जुन बता रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने, कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष, भगवान को कमल नयन कहा जाता है। इनका नयन, इनका यहाँ नासिका के पास से लेकर कर्ण तक विस्तीर्ण नेत्र हैं, भगवान के जो नेत्र हैं विस्तीर्ण हैं। इतना सुंदर नेत्र भौतिक जगत में किसके पास भी नहीं है। और ये नेत्र जो है कमल के पंखुड़ी के समान इसको तुलना किया गया है, कि कमल का पंखुड़ी कब आप देखेंगे कितना सुंदर होता है उसका शेप, तो उसी आकार में भगवान का नेत्र होता है। और उस नेत्र का नेत्रांत में या अंत में एक लाल रंग का कोई छींटे रहते हैं, आप देखेंगे अच्छे से अगर, तो उसी प्रकार भगवान के नेत्रों के अंत में आप देखेंगे थोड़ा लाल रंग के छींटे इस प्रकार से हैं, बहुत सुंदर है। अगर आप कुंती महारानी का प्रार्थना भागवतम में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे, नमः पंकज नेत्राय। तो भगवान के नेत्र पंकज यानी पद्म के पंखुड़ी के समान है, बहुत सुंदर है। और हालांकि अर्जुन यहाँ पे कमल पत्राक्ष बोल रहे हैं और भगवान का एक बहुत भयानक रूप देखना चाहते हैं, आगे जाके वो तो डर भी जाएंगे, आप देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन डर जाएंगे ये रूप देख के। ठीक है, ठीक पढ़ू प्रभु जी? है, हाँ तात्पर्य पढ़िए। यस, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है कि अहम कृतस्न जगत प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अच्छा, तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है, आपको याद है या नहीं, देखते हैं, भगवान किस रूप में इस संसार में हर जगह पे विस्तरित हैं और किस रूप में इस संसार में कहीं पे भी नहीं है, कौन बता पाएंगे? अचिंत्य भेदाभेद के रूप में ओके, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है ठीक है। नंदरानी यशोदा माता जी बताइए। प्रभु जी परमात्मा के रूप में संपूर्ण जगत में है और भगवान के रूप में अपने लोक में है, प्रत्येक जगह पर नहीं है। थैंक धन्यवाद, अच्छा याद है, यू प्रभु जी। ठीक है। एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। ठीक है, पढ़िए हरे पढ़िए कृष्ण माता साहब। प्रभु। हरे कृष्णा। हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा आपके रहा हूँ, किंतु मैं ये कहना इच्छुं कि आप जिस हुए हैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। धन्यवाद, हम थोड़ा चर्चा करके फिर तात्पर्य में जाएंगे, ठीक। एवं एतत् यथार्थ,
तो आपने आपके बारे में मुझे बताया है, लेकिन मैं विश्व रूप देखना चाहता हूँ, दृष्टम इच्छामि, वो जो ऐश्वर्य रूप है वो देखना चाहता हूँ। वैसे अर्जुन कौन सा रूप देख रहे हैं भगवान का? द्विभुज रूप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रूप, मधुर रूप, माधुर्य रूप कहा गया है जिसको, वो माधुर्य रूप अर्जुन देख रहे हैं, और ये ऐश्वर्य रूप नहीं देख रहे हैं। ये माधुर्य रूप क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ आकार है, इसमें कुछ हाइट है, कुछ डायमेंशंस हैं। हालांकि भगवान उस डायमेंशंस या उस आकार से बंधे नहीं है, भगवान उसी आकार से ही विश्व रूप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो मधुर रूप जो है वो साकार रूप है, उसका दो हाथ हैं, नयन है, सुंदर मुख कमल है, सब कुछ है उस प्रकार से। और ये मधुर रूप जो है ये कौन सा है? ऐसा नहीं कि मधुर रूप है तो ये केवल ब्रजवासी जो राधा रानी और गोपियां देखती हैं, वैसा नहीं। ये तो पार्थ सारथी का रूप है, ये मधुर रूप है क्योंकि इसमें माधुर्य है, भगवान का आदान प्रदान है, प्रेममय संबंध है इसीलिए। और अर्जुन वो रूप देखना चाहते हैं, ऐश्वर्य रूप देखना चाहते हैं। ऐश्वर्य रूप यानी विराट रूप या विश्व रूप, जो कि सारे चीजों का स्रोत है, जिसमें सब कुछ देख सकता है एक व्यक्ति, नर नारी पशु पंछी देवता 14 लोक भुवन। और तो अर्जुन जो देख रहा है वो विश्व रूप से ऊंचा है, विश्व रूप जो है उससे निचला विजन है या निचला दृष्टिकोण है या दृष्टि है। अर्जुन के पास जो दृष्टि है वो क्या देख रहा है? वो भगवान का मधुर रूप देख रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बाहर के लोग कि विश्व रूप जो है वो मधुर, भगवान का ये जो मधुर रूप है उससे श्रेष्ठ रूप है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व रूप मधुर रूप से श्रेष्ठ नहीं या पार्थ सारथी रूप से श्रेष्ठ नहीं। पार्थ सारथी रूप उत्कृष्ट है, विश्व रूप से कई ज्यादा उत्कृष्ट है, लेकिन अर्जुन क्या बता रहे भगवान को कि आप मुझे वो दिव्य रूप दिखाइए। तो दिव्य यानी क्यों बताया गया है, इसका शब्द का अनुवाद आगे भी आएगा कि देवताओं को जो दिखता है इसलिए दिव्य रूप। तो भक्तों को सबसे, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको समझना चाहिए बहुत अच्छे से कि ये विश्व रूप भगवान का पार्थिव पार्थ सारथी रूप से एक निम्न कैटेगरी का रूप है, ठीक है? ये पहले चीज समझना चाहिए, और इसीलिए अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं कि आपने जो बताया कि मैं अपना एक ही अंश से, एका अंशेन स्थितो जगत, पूरा संसार या ब्रह्मांड का पालन करता हूं, इसमें मेरा कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी संपूर्णतया प्रसन्न होने के लिए, संपूर्णतया तुष्ट होने के लिए मैं आपका वो रूप जिसमें ये सारे शक्तियां हैं वो देखना चाहता हूँ, इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ठीक है? तो अभी तात्पर्य पढ़िए आप। हाँ प्रभु जी, तात्पर्य हाँ भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने शाश्वत स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे
जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा, जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एक मिनट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे एक साथ में हम बहुत सारे कारण देख सकते हैं। अर्जुन कृष्ण का विराट रूप देखना चाहते हैं क्योंकि वे अन्य भक्तों को कृष्ण का वास्तविकता के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर हाँ, अर्जुन के पास प्रेम चक्षु है के कारण पहले से ही कृष्ण का द्विभुज वाले शाश्वत रूप में देख रहे थे। अब कृष्ण उन्हें विराट रूप का दर्शन कराने वाले हैं, तो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इस प्रकार से जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते हैं, उन्हें अपने दावी का पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने वाले थे। शुद्ध भक्तों का कृष्ण के साथ दिव्य प्रेममय संबंध होता है और वह विराट की ओर आकर्षित नहीं होते। ये चार चीज इस स्लाइड में बताए गए हैं, तो हम इसको देखेंगे और अच्छे से ये। तो कृष्ण को ये पता था, अर्जुन कि खुद देखना चाहते थे प्रूफ कैसा है वैसा, उसके लिए नहीं। ठीक, वो तो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप देख रहे हैं। जो अनन्य भक्त हैं वो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन करते हैं, लेकिन एक निकष स्थापन करने के लिए, एक आदर्श स्थापन करने के लिए कि भगवान कौन है, किनको भगवान कहना चाहिए, इसीलिए अर्जुन भगवान को ये स्वरूप देखना चाहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे अर्जुन जो निकष स्थापन करना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कलयुग में आजकल यहाँ भी जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे कि कई सारे लोग हैं, किसी के पास बड़ी मूछें हैं, कोई बूढ़ा हो रहा है, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं, हमारे पास आ जाओ। और व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, उसका चेहरा में मूछ है। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जब ये युद्ध भूमि पे थे तो उनका उम्र 90 साल के आसपास था, और 36 साल तक भगवान ने उसके युद्ध के बाद इस धरातल पर लीला किया। तो और 90 साल, 90 साल के उम्र में भी इतने सुंदर थे भगवान की, उनको नर नारी पशु पंछी सभी देख के एकदम पूरा तल्लीन हो जाते थे और विमोहित हो जाते थे कि कितना सुंदर है। तो ऐसा सौंदर्य तो हम नहीं देखते आजकल के तथाकथित भगवानों में। या कभी कभी किसी के पास कुछ सिद्धि है, तो सिद्धि है तो सिद्ध पुरुष कहा जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी के पास कुछ सिद्धि भी नहीं है, उनके परिवार वर्गों के कहने से, आसपास के लोग के कहने से हम क्या मान लेते हैं कि अरे ये तो भगवान है। तो हमें इसीलिए ये निकष स्थापित करना है, एक क्राइटेरियन स्थापित करना है कि भगवान है, कोई कह रहा है मैं भगवान हूं तो उसको विश्वरूप दर्शन कराना ही चाहिए। तो हमें पूछना चाहिए कि क्या आप के जो भगवान है वो विश्व रूप का दर्शन करा सकते हैं। तो जो महर्षि है और अर्जुन है और देवता है, इन सब ने भगवान का विश्व रूप को देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम चर्चा करेंगे कि जैसे हमने बताया सबसे पहले कि अर्जुन मधुर रूप का दर्शन कर रहे हैं, ये एक ऊंचा रूप है और इससे निचले कैटेगरी, निचले तरीके का रूप है जो है विश्व रूप। इसीलिए अर्जुन भगवान को दिव्य चक्षु, ये अगला श्लोक में वो भगवान से वरदान मांगेंगे, वो हम देखेंगे। मन्यसे यदि तत्सख्यम मया दृष्टामिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? सुमंगल सखा प्रभु, हाँ पढ़िए पढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ठीक है, हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, मन्य से यदि तत्सक्यम,
तो यहाँ पे जो योगेश्वर शब्द का उपयोग किया गया है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अर्जुन अपने आप को अयोग्य सोच रहे हैं, कि लेकिन भगवान जो योगेश्वर है, अगर वो कृपा करें तो फिर वो रूप भगवान का अर्जुन देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अर्जुन का किस तरह का भाव है, मन्यसे यदि तत् सत्यम्। अगर आपको लगता है सही है भगवान कि आपका विश्व रूप आप मुझे दिखा सकते हो, तो कृपा करके मुझे ये विश्व रूप दिखाइए। कितना सुंदर भाव है, ये नहीं कि चलो विश्व रूप दिखा दो, क्या तुम तो भगवान कहते हो अपने आप को, चलो दिखाओ विश्व रूप, तो ये तो दुर्योधन का भाव जैसा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का भाव देखिए कितना विनीत रूप से, ये विनय का जो गुण है वो हम बार बार देख सकते हैं अर्जुन अर्जुन में, और इसीलिए भगवान ने भगवद गीता उनको सुनाया है। मन्यसे यदि तत् सख्यम, अगर आपको लगता है ऐसा कि भगवान ये सही है कि आप आपका विश्व रूप मुझे दिखाएं, तो फिर कृपा करके आप मुझे दिखाएं, यानी कृपा कीजिए, यानी मेरा कोई पात्रता नहीं आपका विश्व रूप देखने के लिए, लेकिन अगर आप कृपा करेंगे तो आप जरूर मुझे दिखा सकते हैं। तो गुरु के जब संस्पर्श में शिष्य आते हैं, तो गुरु को भी जब हम प्रश्न, अपने गुरु वर्गों को जब प्रश्न करते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, ये नहीं कि महाराज थोड़ा बताइए ये कैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए, वैष्णव एटिकेट रहता है, एक वैष्णव आचार रहता है, उसके हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। महाराज अगर आपको सही लगे, अगर आपके पास समय हो, अगर आपको लगे तो कृपया आप ये बता सकते हैं क्या, ये मेरा संशय है। इस प्रकार से अगर हम संशय को प्रस्तुत करते हैं अपने गुरु वर्गों के पास, तो फिर वो कृपावश होके हमें क्या करते हैं, उसका उत्तर प्रदान करते हैं। और ये चीज हम अर्जुन से यहाँ पे सीख रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं, और चतुर्थ अध्याय में भी अर्जुन ने क्या पूछा था, कथम एवं बिजानिया, हे भगवान ये सूर्य देवता जो है आपसे बहुत उम्र में बहुत ज्यादा है, तो आपने उनको भगवद गीता कैसे बताया था, मैं इसको किस प्रकार से समझ सकता हूँ। ये नहीं कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे आप, अरे वो तो आपसे सीनियर है, आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो कोई साधारण व्यवहार हो गया, कोई मतलब मार्जित व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन किस प्रकार से, मैं किस प्रकार से समझ सकता हूँ कि ये जो सूर्यदेव है ये आपसे उम्र से बड़े होने के बाद भी आप बोल रहे हैं आपने उनको भगवद गीता बताया, ये किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये चीज, ये जो विनय का गुण अपने गुरु गुरु वर्गों के पास हमें हमेशा प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ ठीक है प्रभु, आप तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो पर उनका आवाज बहुत आ रही है। हाँ पढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव वही नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हाँ धन्यवाद। तो यहाँ पे और एक दो चीज है, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए कि भगवान अपना असीम रूप पूरा भौतिक जगत यहाँ पे अपने कृपा से अर्जुन को दिखला रहे हैं, और जो लोग
मनोधर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे भक्त है वो अपने अपने बेस्ट, अपना सबसे बेस्ट डालता है समझने के लिए कि किस प्रकार से मैं शास्त्र को समझ सकता हूँ, लेकिन अपने बुद्धि से नहीं। ये शास्त्र किसके वाणी है? श्री कृष्ण के वाणी है, आचार्यों के वाणी है, उसका सहारा लेके हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बताते हैं प्रभुपाद जी की, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। वन कैन अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट बाय द मर्सी ऑफ द इनफाइनाइट, यानी भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे भगवान की कृपा यानी भगवान को समझना, उनकी लीलाओं को समझना, अच्छी तरह से जानना उनका, ये तो भगवान का कृपा है। और वास्तव में हमें जितना भी समझ आया है आज तक कृष्ण भावनामृत में, वो भगवान और आचार्यों का कृपा है। इसमें हमारा यानी साधक का खुद का इसमें कुछ ये नहीं है, इसमें कुछ मतलब अपना बुद्धि से हमने समझा ऐसा नहीं, ये तो कृपा के कारण हमने समझा है। जो भी कुछ समझा है और जो भी कुछ समझ रहे हैं वो कृपा के कारण हो रहा है। जैसे जब सूरज आता है, भागवतम में कहा जाता है कि जब सूरज आसमान में आता है तो सूरज की रोशनी से ही सूरज को देख सकते हैं, अगर सूरज आसमान में नहीं आए तो फिर सूरज को कैसे देख सकते हैं। तो सूरज को देखने के लिए सूरज का रोशनी जरूरत होता है। उस प्रकार से भगवान को समझने के लिए भगवान का कृपा बहुत जरूरी है। ठीक, तो श्री भगवान वाच, तो अभी भगवान बता रहे हैं, दिखा नहीं रहे, आगे दिखाएंगे भी, तो अभी बता रहे हैं पहले कि देखो मेरा विश्व रूप। तो ये श्लोक में इसको पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि सतसहस्र सह सतस्तो सहस्र सह नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतानी च। ठीक है, उषा वाले माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप पढ़िए। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाविलासी था जो नहीं, एक मिनट, इसका अनुवाद पहले पढ़िए, फिर अच्छा, हम तात्पर्य में जाएंगे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। धन्यवाद, तात्पर्य में जाएंगे हम चर्चा करके। तो देखिए, अभी अर्जुन को तैयार कर रहे हैं भगवान अपना विश्व रूप दिखाने के लिए। ये जो विश्व रूप है इसमें सारे देवता, जीव, भौतिक जगत, सब कुछ ये रथ पे दिखेगा। क्या ये रूप शाश्वत है या अशाश्वत है, ये चीज प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तो यहाँ पे विश्वनाथ बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि सबसे पहले मैं अर्जुन को क्या दिखाऊंगा। पुरुष सूक्त में कहा गया है जो विराट रूप, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ऋग्वेद में इस प्रकार से ये विराट रूप का एक प्रार्थना है। तो ये मैं पहले दिखाऊंगा और उसके बाद मैं काल रूप दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ने के बाद थोड़ा और चर्चा करेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाविलासी था जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लावार्थ प्रकट होता है, फलतः वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ के नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा
शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन को दर्शन हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया अपना ध्यान यहाँ पे दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना। रूपा जी यहाँ पे बता रहे हैं विश्व रूप के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रकृति का अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है ये रूप, जैसे माया है यानी ये भौतिक सृष्टि संपूर्ण मेटेरियल क्रिएशन है, ये कुछ काल तक प्रकट रहता है और फिर क्या होता है, फिर अप्रकट हो जाता है, महाविष्णु में फिर से प्रवेश होकर अप्रकट हो जाता है। उस प्रकार से ये नित्य रूप नहीं है, ये भगवान का जो विश्व रूप है ये नित्य रूप नहीं है, ये वैकुंठ में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप राम भगवान को पूजा करते हैं उनको आप अयोध्या नित्य धाम में प्राप्त कर सकते हैं, आप कृष्ण को पूजा करते हैं, श्याम सुंदर को पूजा करते हैं, द्वारकाधीश को पूजा करते हैं उनको द्वारका मथुरा या वृंदावन में प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्व रूप का कोई वैकुंठ नहीं है। विश्व रूप भगवान के नित्य रूप नहीं है, ठीक है। और ये कहीं पे ऐसा नहीं कि विश्व रूप को किसी ने पूजा किया और उसके बाद विश्व रूप वैकुंठ में चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भगवान ने इसको थोड़ी देर के लिए अर्जुन के सामने प्रकट किया है और उसके बाद ये अप्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चलो विश्व रूप का पूजा कर रहे हैं तो फिर क्या हम विश्व रूप वैकुंठ में चला जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये चीज अभी बहुत ध्यान से सुनिए, ये दो चीज है। पहला है विश्व रूप सत्य है या असत्य है। विश्व रूप सत्य है, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया वो सत्य है। क्या ये स्थाई है या अनित्य है? नहीं, ये अस्थाई रूप है, ये स्थाई रूप नहीं है, ठीक है। यानी ये सत्य है लेकिन ये अशाश्वत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हाँ योगियों योगी जो हैं वो विश्व रूप पे किसी लिए ध्यान करते हैं, वो इसलिए ध्यान करते हैं कि उनके हृदय का जो कलमश है काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, इससे वो छुटकारा पाने के लिए ये विश्व रूप के ऊपर वो लोग ध्यान करते हैं, और उसमें जब उनको सिद्धि हो जाता है तो फिर वो परमात्मा का ध्यान करते हैं जो कि भगवान का एक सौम्य रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन दूसरों के लिए पूछ रहे हैं। तो ये चीज समझ में आया, ये भौतिक जगत क्या है, नित्य है लेकिन सॉरी ये अशाश्वत है लेकिन ये सत्य है। हम भौतिक जगत को असत्य बोल के नहीं बोलते, सत्य है लेकिन कुछ देर के लिए रहता है, टेम्पररी। उस प्रकार से भगवान इस लीला में ही केवल ये विश्व रूप प्रकट किए हैं, अगली बार ये फिर से जब अर्जुन कृष्ण आएंगे जब ब्रह्मा का अगला दिन में तब फिर से भगवान प्रकट करेंगे। ये किधर भी भौतिक आध्यात्मिक जगत में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है अगला श्लोक में जाते हैं। अच्छा किसी ने चैट में किया ना, कैन वी ज़ूम द पीडीएफ लिटिल मोर, ओके ठीक है अभी है विजिबल सुमंगल सर का? यस प्रभात जी। पश्येद् आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चार्याणि भारत। ठीक है पढ़िए मातुल। हे भारत लो अब तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी किसी ने ना तो कभी देखा है ना कभी सुना है। धन्यवाद। थोड़ा चर्चा करके हम आगे का श्लोक में जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रूप है पश्य आदित्यान रुद्रान, तो इन सब जो जो यहाँ पे दृश्य हो रहे हैं जो देव है विश्व देव साध्य देव गण देव सारे तरह के देवता मरुत अश्विनी आदित्य ये सबको तुम एक जगह पे देख सकते हो।
इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा भी किया है कि ये जो अर्जुन है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके पास जो चक्षु है वो प्रेम चक्षु है, और उस प्रेम चक्षु से अभी अर्जुन दिव्य चक्षु में आ रहे हैं, तो डाउनग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड नहीं हो रहे। ये दिव्य चक्षु क्या है? देवताओं जैसा चक्षु है। ठीक है, देवताओं जैसा चक्षु है, क्योंकि ये विश्वरूप कभी कभी प्रकट होते हैं स्वर्गलोक में, वो देवता उनको पुरुष सूक्त प्रार्थना करते रहते हैं तो प्रकट होते हैं, तो देवताएं देख सकते हैं। तो ये देवताओं वाला चक्षु भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया है, और इसके लिए ये एक डाउनग्रेडेशन है, प्रेम प्रेम चक्षु जिसमें वो भगवान के मधुर रूप को देख रहे थे, वहां से अभी वो विश्व रूप देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पार्थ सारथी रूप है उससे बढ़कर ये विश्व रूप है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, और उस रूप में, ये जो विश्व रूप में, वो सारे देवता, अश्विनी कुमार, मरुत इत्यादि सबको एक जगह खड़ा होकर देख सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड को। आगे और भी उसके बारे में चर्चा है। यह एकस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ा केश यच्च अन्यादृष्टम इच्छसी। हाँ, कौन पढ़ेंगे? एक मिनट, काम नहीं करता तो क्या हो गया इसमें? ओके, बढ़िया बात, एक मिनट। हाँ पढ़िए, मैं पढ़ूँ दीदी। हाँ पढ़िए। यस, अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखने वाले यहाँ स्थान चर सब कुछ है। बस हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, तो जो भी कुछ ये भौतिक जगत में है उसको अर्जुन यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह एक स्तंभ, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं, यह ये सारे ब्रह्मांड में जो कि संपूर्णतया देखना आपको संभव नहीं है, अगर आप करोड़ों करोड़ों साल इसमें भ्रमण करोगे तो भी आप पूरा ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन ये मेरा शरीर का एक स्तंभ, एक छोटा अंश में स्थित है, और ये जो भी आपको इच्छा है देखने का ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इसी स्थान पर। ये भगवान के शरीर में पूरा भौतिक जगत देख सकते हैं, ये भगवान का शरीर, यानी यहाँ पे महाविष्णु के मीनिंग में कहा गया है, महाविष्णु से ही ये भौतिक जगत आता है, तो महाविष्णु के शरीर से ही तो ये सारा सृष्टि हुआ है, तो महाविष्णु के शरीर से जो भी कुछ आ रहा है, क्योंकि भगवान खुद महाविष्णु के स्रोत हैं, वो सारा चीज अभी विश्व रूप में अर्जुन को वही रथ पर बैठ के सारा चीज दिख रहा है, और आगे जाके भगवान उनको काल रूप का दर्शन कराएंगे, जिसमें कि जो पास्ट है यानी जो पूर्वतन, जो घट गया है, जो घट रहा है और जो आगे घटेगा, ये सारा चीज, ये जो युद्ध में कौन जीतेगा, सब कुछ भगवान काल रूप में दिखाएंगे। और काल रूप मतलब भगवान उसमें सारे चीज जो है वो नष्ट कर रहे हैं। ये विराट रूप पहले भी दिखा था, किस किस को? दुर्योधन को दिखा था, जब भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने के लिए, तो फिर उनको बांधने के लिए दुर्योधन ने कोशिश किया, तो भगवान बोले आप मुझे कैसे बांध सकते हो, मैं तो हर जगह स्थित हूँ, आप मुझे कैसे बांध सकते हो, इस प्रकार से। और भगवान ने विश्व रूप दिखलाया, तो दुर्योधन ने विश्व रूप दर्शन किया, लेकिन क्या बोला उसने, अरे ये तो कोई मायावी है, कृष्ण के पास तो कोई शक्ति है, ये क्या है, छोड़ दो, इस प्रकार से। और जो यशोदा माता ने जब देखा
भगवान श्री कृष्ण के मुख में जब उन्होंने मिट्टी खाया था, उन्होंने उनका मुख खोलने के लिए बोला ब्रह्मांड घाट में। तो जब भगवान ने अपना मुख खोला तो उन्होंने संपूर्ण जो है ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वहां पे भी विश्वरूप दिखाया। लेकिन ये विश्वरूप देखकर क्या होता है, ये विश्वरूप देखकर उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति वो नहीं चला जाता है ऐसा। ये काल रूप और विश्व रूप एक ही जगह पे खड़ा होकर अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं, और ये विश्व रूप जैसे हमने चर्चा किया पहले भी भगवान ने वो दिखाया था। ठीक है, ये तात्पर्य पढ़िए। जो भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, या मेरा आवाज दूसरों को जा रहा है या नहीं? हरे आवाज आ रहा है, कृष्ण। आपका आवाज आ रहा है प्रभु। ओके ओके ओके। हरे कृष्ण अभी आ रहे हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। हरे तो यहाँ कृष्ण पे प्रभु दो, जी। हाँ हरे कृष्ण, तो यहाँ पे दो चीज के बारे में बात हो रहा है, जिससे भूत वर्तमान तथा भविष्य, ये काल रूप के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे हमने चर्चा किया विष्णु चक्रवर्ती ने, ठाकुर ने क्या बताया, अगर कोई करोड़ों वर्षों तक भी ब्रह्मांड में भ्रमण करे तो भी पूरा ब्रह्मांड एक एक साथ नहीं देख सकता, जो कि भगवान उनको बैठे बैठे सारा विश्व दिखा रहे हैं। यह एक स्थम जगत कृष्णम, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते। न तु माम शक्य से दृष्टम अनेनैव एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम्। एक मिनट, थाने नटराज कृष्ण प्रभु। ओके पढ़िए। हाँ यस हरे कृष्ण गुरु, किंतु हरे कृष्ण। तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, हम थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर तात्पर्य में भी जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, तो नतु भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि इन आंखों से, आपके पास जो अभी नेत्र है, जो आंख है, जो चक्षु है, उससे आप मुझे नहीं देख सकते, अभी मैं दिव्य चक्षु दूंगा। अर्जुन के पास प्रेम चक्षु है जैसे मैंने बताया था, और ये प्रेम चक्षु से वो माधुर्य रूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस चक्षु से वो भगवान का जो दिव्य रूप है, जो विश्व रूप है, जो विराट रूप है, उसको वो दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए दिव्य मतलब क्या, जो देव लोक में दृश्य होता है, जो देव लोक यानी स्वर्ग लोक यानी देवताओं का लोक में जो दृश्य होता है उसको दिव्य बताया गया है। और ये देवता, कभी कभी जैसे मैंने बताया था कि देवताओं को ये रूप दृश्य होता है, और पुरुष सूक्त से सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि वो प्रार्थना करते हैं भगवान को, पुरुष सूक्त से प्रार्थना करते हैं। और अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इस तो भगवान उनको देवताओं का चक्षु दे रहे हैं। देखिए, तीन तरह का चक्षु होता है किसी, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रेम चक्षु। चर्म चक्षु हमारे पास है, हम जो मनुष्य या पशु इत्यादि सबके पास जो चक्षु है वो चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु से हम केवल ये दृश्य जगत देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज दृश्य नहीं होते। इसीलिए हम जो ब्रह्मांड के बारे में जो वर्णन आता है पंचम स्कंध में, उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमारे चर्म चक्षु के ऊपर इतना विश्वास है हमें कि हम शब्द प्रमाण को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो पंचम स्कंध समझना मुश्किल जाता है। तो ये चर्म चक्षु है, ये तो लिमिटेड है, केवल सात रंग का जो है विवगी, और उसी में हम देख सकते हैं। चर्म चक्षु से ऊपर होता है दिव्य चक्षु, देवताओं का चक्षु, जिससे वो भगवान का ये जो विराट पुरुष का रूप है, यानी विराट रूप है या विश्व रूप है, उसका दर्शन करते हैं। और शुद्ध भक्तों के पास प्रेम चक्षु होता है, जिससे वो लोग किसका दर्शन करते हैं, वृंदावन के कृष्ण श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, प्रेम से वो लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को जैसे मैंने बताया था डाउनग्रेड किया जा रहा है, शुद्ध भक्ति का स्तर से यानी देवताओं और प्रेम चक्षु से वो कहाँ आ रहे हैं, दिव्य चक्षु में आ रहे हैं, तब जाके वो भगवान को ये दिव्य रूप देख सकते हैं।
और इसीलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये देवताओं के लिए ये रूप देखना स्वाभाविक है, उनके वो लोग उसी रूप का पूजा करते हैं, उसी रूप का स्तुति करते हैं, तो कभी कभी भगवान प्रकट होते हैं, तो उसी प्रकार का नयन भगवान, चक्षु भगवान उनको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, आप तात्पर्य पढ़िए, यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए प्रभु जी। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण से बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इदं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरगारकेण साकं विजहु कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म कर्ण के मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10:12-11। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे भक्त के भगवत कृपा से ही उनका विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। ये सेंटेंस थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम फिर से बता रहे हैं कि ये जो दिव्य चक्षु है, ये देवताओं का चक्षु है, ये प्रेम चक्षु नहीं है। प्रेम चक्षु क्या निचला श्रेणी में ये आता है, प्रेम चक्षु से निचला श्रेणी में आता है, इसलिए अर्जुन को डाउनग्रेड, एक निचला तरह का चक्षु प्रदान कर रहे भगवान, जिससे वो विश्व रूप देख सकते हैं, ये चीज बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, लेकिन दिव्य मन नहीं दिया। दिव्य मन किसके पास रहता है? दिव्य चक्षु किसका है? देवताओं का है। तो दिव्य मन किसका रहेगा? देवताओं का रहेगा। तो देवताएं जो हैं वो भगवान के ये विश्व रूप का सराहना करते हैं अपने मन से। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य मन प्रदान, हरे कृष्णा, हाँ, तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य मन प्रदान नहीं किया, तो
दिव्य मन प्रदान नहीं किया, इसलिए अर्जुन ये स्वरूप को सराहना नहीं कर पाए, उसको किए ही नहीं। देवता लोग ये विश्वरूप के प्रति आकृष्ट रहते हैं लेकिन अर्जुन नहीं, इसलिए अंत में वो क्या बोलते हैं, मैं ये रूप नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए ये सौम्य रूप के प्रति उनका आकर्षण है। तो प्रभुपाद जी, तो ये चीज को बहुत, मैं फिर से बतला रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिए कि अर्जुन के पास प्रेम चक्षु है, उसको डाउनग्रेड करके दिव्य चक्षु दे रहे हैं भगवान, लेकिन दिव्य मन नहीं दिए। दिव्य मन नहीं दिए इसलिए क्या हुआ, अर्जुन उस जो विराट रूप के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, जैसे देवताएं होते हैं जिनके पास दिव्य मन होता है। तो प्रभुपाद जी, ये आचार्य ने बताया, बलदेव विद्याभूषण ने बताया, उसको एक लेसन जैसा हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भक्त जो है वो विराट रूप को अपने मन से नहीं देखता, यानी भक्त जो है वो विश्व रूप के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वो तो केवल भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना चाहता है उस प्रकार से। और जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं, वो उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से नहीं अपितु तो अपने प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। ये इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि pure devotees are not attracted by the godless display of opulences, ईश्वर विहीन क्या बताया प्रभुपाद ने यहाँ पे, उनके अनेक ऐश्वर्य का ईश्वर विहीन प्रदर्शन, ऐश्वर्यों का ईश्वर विहीन प्रदर्शन से वो आकर्षित नहीं होते। जैसे जैसे गोप रहते हैं, वो अगर भगवान का विश्व रूप देखेंगे या भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, वो इसको विश्वास नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अरे ये तो कोई मैजिक कर रहे हैं भगवान इस प्रकार से। हालांकि जो हम हैं, हम भगवान के ये सारे लीलाएं श्रवण करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, और ये जानते हुए कि ये चीज अंतिम चरण नहीं है भक्ति का, भगवान का श्याम सुंदर रूप, वृंदावन रूप, ये अंतिम चरण है भक्ति का, ये तो भगवान का बस एक ऐश्वर्य रूप है ये बतलाने के लिए कि जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते उनको ये विश्व रूप बतलाना पड़ता है, दिखलाना पड़ता है इस प्रकार से। और ब्रज में जो भक्त हैं, भगवान के सखागण हैं, गोपगण हैं, गोपी हैं, माता पिता हैं, तो वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान का ये विश्व रूप के बारे में, वो उनका ऐश्वर्य के बारे में भूल ही जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कोई प्रधानमंत्री है देश का, तो प्रधानमंत्री के माता जो है वो क्या ऐसे सोचेंगी कि अरे मेरा बेटा प्रधानमंत्री, मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, क्या करूं, मेरा बेटा प्रधानमंत्री नहीं। माता तो ऐसा नहीं सोचेंगी, माता के लिए बेटा तो बेटा ही होता है, उसका कान पकड़ के उसको खींच के मारेंगी, बोले अरे तुम खाते नहीं ठीक से, क्या है ये, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का प्रेम का संबंध है। तो वही चीज वृंदावन में देखने को मिलता है। श्रीदामा सखा जो है उनको कई बार बोलते हैं कि अरे आपको पता है ये तो नारायण है, ये सारे सृष्टि का स्रोत है ये कृष्ण, तो बोलते हैं अरे क्या मजाक कर रहे हैं, हर दिन मेरे से मल्ल युद्ध में हारते हैं और आप बोलते हैं कि ये भगवान है, ऐसे कैसे मान सकता हूं। तो वृंदावन के भक्त जो है वो उनका प्रेम के कारण भगवान के ऐश्वर्य को देख नहीं पाते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो संजय उपाच यहां से हम देखेंगे, एक मिनट। हरे कृष्णा, आई कांट हियर एनीबडी। प्रभु जी बोले आ रहे हैं। ओके, प्रभु जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही ना।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो संजय उवाच, तो इसके बाद यहाँ पे भगवान जो अपना विश्वरूप दिखा रहे हैं, संजय उवाच यानी अभी से भगवान दिखाना चालू कर रहे हैं अपना विश्वरूप। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, संजय को व्यास का कृपा से दिव्य दृष्टि मिला है, जिससे कि वो जो भी अर्जुन को दिख रहा है वही चीज संजय को दिख रहा है, और धृतराष्ट्र केवल सुन रहे हैं। ठीक है, ओके। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमारूपम ऐश्वर्यम्। हाँ पढ़ी रीता साहू माता जी, पढ़ी। हरे कृष्ण पढ़िए। हे राजा, इसका कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। धन्यवाद। तो इसके बाद से ये उनका विश्वरूप का वर्णन आ रहा है। अनेक वक्त्रम नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यो नेकाद्य आयुधम, दिव्यमालांभर अधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वस्या शरब देव देव मनंतम विश्वोत्तो मुखम। तो पुष्प गोपी माता जी पढ़ी। अर्जुन ने कहा, उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखें। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो असंख्य रूप से जो मुख है भगवान के, असंख्य रूप, असंख्य नेत्र, असंख्य शरीर, उसमें आयुध, ये सारे चीज, सारे जीव, सारे ब्रह्मांड, तो ये महाविष्णु के शरीर, हालांकि महाविष्णु का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन उनके शरीर में जो भी कुछ है, जो भी वहां से आ रहे हैं, वो सारे चीज अर्जुन को यहाँ पे दिखने लगे। तो हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए, फिर हम एक फोटो और एक स्लाइड शेयर करेंगे, जिससे कि थोड़ा और डिस्कशन करें। ठीक है। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। ठीक है, एक मिनट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी के वेशभूषा है, किसी का पोशाक है, तो व्यक्ति होगा। तो प्रभुपाद जी ये पटेल, मिस्टर पटेल के साथ चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि ये जो विश्वरूप है, दिव्य माला, दिव्य गंध, किरीट, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से आभूषण थे, ये कोई अव्यक्त रूप नहीं है। अगर आप किसी को कपड़े पहनाना चाहते हो, व्यक्ति तो होगा, आप आसमान को थोड़ी कपड़े पहनाओगे। अरे यहाँ है आपका मुकुट, यहाँ है आपका माला, ऐसा करके कहाँ डालोगे। तो विश्वरूप का भी एक व्यक्तित्व है, ऐसा प्रोपा जी बता रहे। ठीक, ओके। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो इस प्रकार से हम ये जो चित्र है ये देख रहे हैं यहाँ पे, विश्व रूप किस प्रकार से अनेक अनेक मुख हैं, उसमें आयुध हैं,
है ना, इसमें काल रूप भी है, बट काल रूप हम आगे चर्चा करेंगे, पहले विश्व रूप है। इसमें सारे देवता गण, ब्रह्मा विष्णु रुद्र मरुत सब कुछ दिख रहे हैं, विराट रूप है, उसमें सारे आयुध हैं, किस प्रकार से बहुत बड़ा है सब कुछ, अर्जुन को एक ही जगह दिख रहा है वहां पे। ठीक है, ओके। दिविशूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत्तुत्थिता यदि भास सादृशी सा सयात भासत तस्य महतात्मना। ये पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी पढूं। हाँ पढ़िए माता। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि अगर हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो, सहस्रस्य, तब जाके इसका जो एक सूर्य का जो प्रकाश है उसमें हम देखते हैं कि कितना प्रबल है ये प्रकाश, है ना। और अगर सहस्र सूर्य प्रकट हो तो कैसा प्रकाश रहेगा, तो ये बता रहे हैं इस प्रकार से संजय कि व्यास की कृपा से वो देख के ये सारा चीज वर्णन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्त्री की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। हाँ, तो भगवान के शरीर से इतने सारे तेज जो प्रकट हो रहा था उसको वो तुलना कर रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं थे और ये भी नहीं थे, दोनों भी इस प्रकार से। तत्र एकस्थम जगत कृष्णस्य प्रभविक्तम अनेकधा अपश्या देवदेवस्य शरीर पांडव तदा। हाँ सुमंगल सर, 1 मिनट। हाँ पढ़िए प्रभु। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। धन्यवाद, चर्चा करते हैं। हाँ यहाँ पे तत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तो उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों रथ पर बैठे थे, युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके। ये चीज देखिए है, यद्यो भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी, वो कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं, इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता था, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा था। तो सबने भगवद गीता तो सुना, लेकिन ये दृश्य सभी देख नहीं पाए। और जब ये दृश्य अर्जुन को भगवान दिखा रहे थे तो कृष्ण के रूप में जो है वो हट गए थे, भगवान अर्जुन के नजर से हट गए थे, हालांकि वो स्थित थे लेकिन अर्जुन को वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे, और अर्जुन को ये पूरा रूप दिख रहा था कृष्ण के बगैर। ततः स विस्मय आवष्टि हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभासता। हाँ पढ़िए उष्णवृंग, पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु हरे हाँ अभी प्रभु अनम्यूट हो गए शायद माता जी। हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु उषा माता जी, पढ़िए। संजय भी देख पा रहे थे विराट रूप को हाँ संजय देख रहे थे ना, संजय उवाच संजय तभी तो आया है। संजय देख पा हाँ रहे थे, अर्जुन देख पा रहे थे, देवताएं देख पा रहे थे, महर्षि देख पा रहे थे, और आचार्य बताते हैं, आगे आएगा मैं वो बताता था, बट आपने प्रश्न पूछा तो ठीक है बता देता हूँ। तो भीष्म और बाकी पांडव, ये कोई आचार्य भी बोलते हैं, वो लोग देख पा रहे थे, इनको छोड़ के बाकी कोई देख नहीं पा रहा था। तो गीता सबने सुना, गीता सबने सुना, लेकिन ये सब नहीं देख पा रहे।
देवता महर्षि संजय अर्जुन और पांडव भीष्म और बाकी पांडव, भीष्म और बाकी पांडव बोल के कुछ आचार्य टीका करते हैं, बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। ठीक है, पांडव भी देख पा रहे थे? हाँ, ये आचार्य ने कहा। यस प्रभु जी, देवता भी देख रहे थे? हाँ, हमने तो चर्चा किया ना इतना देर, दिव्य चक्षु, प्रेम चक्षु। दिव्य चक्षु किसके पास रहता है? देवताओं के पास, देवताओं के पास। तो अगर देवताओं के पास दिव्य चक्षु है और भगवान ये प्रकट कर रहे हैं तो वो देख पाएंगे ना। ठीक है अरे जी प्रभु, हाँ। एक प्रश्न था, हाँ। श्लोक नंबर 4 में, तब मेरी आवाज चली गई थी यहाँ से, तो ये कह रहे कि दिव्य, किंतु यदि श्लोक संख्या 4 में, एक मिनट चार में है कि यदि कोई प्रारंभ से भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने एक जगह लास्ट में बोला है कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते, तो क्या वास्तव में हम मतलब 1-to-1 कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं भक्त ऐसे? हाँ, ये कर सकते हैं। अगर माधुर्य कादम्बिनी में देखा जाए तो जो हम श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम, प्रेम प्राप्त करने के बाद एक भगवान का अनुभव प्राप्त होता है साधक को। जब साधक प्रेम का स्थिति प्राप्त करता है, उसमें एक बार उसको कृष्ण साक्षात दिख सकते हैं, साक्षात। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ बल्लभ जो गार्डन है वहां पे भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन हुआ था, उस प्रकार से हम ऐसे चैतन्य महाप्रभु बनना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कहने का मतलब, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर जो भक्त है वो श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति इत्यादि प्राप्त करता है और प्रेम प्राप्त करता है, तो भगवान का स्वयं एक अनुभव वो प्राप्त कर सकता है। भाव में वो भगवान का जो वेणु है उसका शब्द सुन सकता है। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि भगवान जप करते हो भगवान का वेणु सुनाई दे रहा है, लेकिन बाद में उनका जो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि नहीं, वो उस प्रकार से नहीं है। तो इमेजिन नहीं करना चाहिए स्थितियों को, समझना चाहिए कि क्या है। और अच्छे से समझना है तो माधुरी कादम्बिनी पुस्तक है और कई सारे जो भक्त हैं इस पे काफी प्रवचन दिए हैं, उसको सुन के श्रवण करके समझना चाहिए। तो हाँ, हो सकता है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछूं प्रभु जी। प्रभु जैसे मतलब बताया गया कि परमात्मा रूप में सब जगह है, सभी जगह उपस्थित है भगवान, और लेकिन भगवान रूप में वो अपने लोक में ही है, तो इसको किस तरह समझे कि वो ब्रज में जो थे वो भगवान मतलब प्रत्यक्ष रूप में आए थे या कुछ उनका एक्सपेंशन था? हाँ, या नहीं, नहीं। तो भगवान को दर्शन, जो भक्त भगवान का दर्शन करते वो भगवान का दर्शन करते या उनके किसी एक्सपेंशन वगैरह का? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वृंदावन वाला रूप में भगवान तो स्वयं आते हैं, उनका स्वयं रूप है, वो खुद आध्यात्मिक जगत से आते हैं। लेकिन इसका फिर से ये मतलब नहीं बन जाता कि आध्यात्मिक जगत में भगवान एब्सेंट हो गए और सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे भगवान तो अभी लीला करने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे कैसे होगा, वैसा नहीं होगा। भगवान वहां पे लीला करते हैं और स्वयं रूप में अपने ही एक्सपेंशन स्वयं रूप में इधर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान वहां से एब्सेंट हो गए, अरे भौतिक जगत जाना पड़ेगा, हमारे जैसे नहीं है ना भगवान। लेकिन वो परमात्मा स्वरूप नहीं है, परमात्मा का जो स्वरूप है उससे शांत रस में आदान प्रदान करते हैं योगी, या फिर कोई योगी रहते हैं मोस्टली परमात्मा के ऊपर जो ध्यान करते हैं। लेकिन भक्त भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, मधुर विग्रह जो हम बात कर रहे थे, मधुर रूप का दर्शन करते हैं, वो वृंदावन में था और द्वारका में भी था, तो वो भगवान का स्वयं रूप है। जो आध्यात्मिक जगत में जो है वो यहाँ पे वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जब भगवान प्रकट जो रूप में लीला करते हैं और जब वृंदावन में प्रकट होते हैं उसमें उनके रूप में कोई अंतर नहीं, सेम। इसीलिए हम वृंदावन को इतना जो वर्शिपेबल मानते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु डाउट्स क्लियर करने के, बहुत सुंदर डाउट्स आपने क्लियर करे मेरे और मेरा। ओके ओके, नेक्स्ट। हाँ, नंदरानी यशोदा माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं या प्रश्न है? प्रभु जी, प्रश्न था, एक इसी से रिलेटेड था जी, बोलिए।
देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ डिवोटीज को भजन करते टाइम में, जप करते टाइम में वेणु सुनाई देता है, या पर्सनल एक रियलाइजेशन होता है जिसको हमें फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, जो आचार्य भी कहते हैं। अभी जो ब्रह्म रियलाइजेशन होता है ना प्रभु जी, वो लोग हमेशा शब्द पे या साउंड पे या लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जी इन दिनों में हम जब जप करते हैं, मैं इसको मैं कह के कहूंगी क्योंकि ऑल आर अदर आर सीनियर वैष्णवाज एंड एलिवेटेड, तो जब मैं करती हूँ तो मेरे को क्या रहता है कि आंखें बंद हैं, हम नाम सुन रहे हैं और नाम पे ही हमारा ध्यान है जी। और बाकी सब अंधेरा है। देर आर फ्यू मोमेंट्स व्हेन यू फील कि हाँ हमारा माइंड इधर उधर नहीं जा रहा, लेकिन अंधेरा है थोड़ा जी। तो वो एक इम्पर्सनल जैसा लगता है कई बार, क्योंकि नाम नामी अभिन्न है ये बुद्धि से समझते हैं क्योंकि गुरु ने कहा है, जी बट इसका रियलाइजेशन तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम जब डीटी वर्शिप करते हैं या भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, इट सीम्स मोर पर्सनल एंड मोर मतलब मोर पर्सनल लगता है वो। हाँ लगता है भगवान का साक्षात रूप है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बट जब करते टाइम प्रभु जी, मे बी माई अनर्थ था और क्या, लेकिन थोड़ा इम्पर्सनल जैसा लगता है कई बार कि सिर्फ हम सुन ही रहे हैं साउंड वाइब्रेशन को। So how to understand that? Yes. ठीक है। ओके, अच्छा प्रश्न है आपका, ये कई भक्तों का इस प्रकार से प्रश्न रहता है। तो ये हिज ग्रेस महात्मा प्रभु आए थे, जो प्रभुपाद जी के सीनियर वरिष्ठ शिष्य हैं, जो 50 साल से 1969 में जो इस्कॉन में जुड़े और तब से 16 माला दीक्षा प्राप्त करके वो चालू किए हैं। आई थिंक 1970 में उनका दीक्षा हुआ, तो मोर देन 53 ईयर्स वो जप कर रहे हैं। तो आए थे और वर्कशॉप दिए थे, उसको आप सुनेंगे तो उसमें आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। बट संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने ये बताया कि जप जो है ये एक प्रोसेस नहीं है। हम जैसे प्रोसेस यानी हम क्या करते हैं, जैसे हम कभी कभी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो प्रोसेस प्रोसेस यानी यहाँ से एक चीज डालो, फिर एक प्रोसेसिंग होगा उसको, जैसे ग्राइंडर हो गया मान लीजिए, उसमें आपने कुछ मसाले डाले, आपने प्रोसेस किया यानी उसको ग्राइंडिंग किया और फिर पेस्ट बाहर आ गया, प्रोडक्ट बाहर आ गया, आपने इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आ गया। तो प्रोसेस मतलब हमारा माइंड भी भक्ति को एक प्रोसेस मानता है, बट भक्ति इज नॉट ए प्रोसेस, भक्ति इज मोर अबाउट ए रिलेशनशिप, ये संबंध है भगवान के साथ। तो भगवान का नाम जप में हमें भगवान का रूप नहीं दिखता है, कभी कभी अपराध होता है, नाम अपराध होता है, इसके कारण हो सकता है, ये कुछ वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं। लेकिन रूप दिखे या नहीं दिखे वो ठीक है, कुछ कुछ भक्त अगर जैसे अगर इम्पर्सनल लगता है या भगवान के नाम के साथ वो जुड़ नहीं पाते भगवान का विग्रह को, तो भगवान के फोटो साथ में राधा कृष्ण राधा वृंदावन का फोटो देख के उसको जप करते हैं, तो उससे एक भावना अंदर से प्रकट होता है कि मैं भगवान का प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो महात्मा प्रभु जब आए थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जप जो है उस समय हमें भगवान को प्रार्थना रूप में जप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारा टॉपिक से थोड़ा टेंजेंट है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा है तो उसको हम थोड़ा चर्चा करके फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो जप करते वक्त हमें चेतना ये रहना चाहिए कि हम प्रार्थना पूर्वक जप कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अर्थ चिंतनम, गोपाल गुरु गोस्वामी बताते हैं जप के बारे में कि मंत्र का अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन मतलब हम सोचेंगे या सुनेंगे, प्रे करेंगे या सुनेंगे, ये प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो जब चालू करने से पहले फीलिंगली जब करना चाहिए, फीलिंगली यानी विद फीलिंग्स। तो प्रभु जी ने एक छोटा उदाहरण दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि प्रभु जी हम फीलिंग्स के साथ जब करेंगे कि हे भगवान मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा, मन में वो चलने लगेगा मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं भी ड्यूटी वर्शिप कर सकता हूँ, मैं भी अच्छे से जप कर सकता हूँ, अच्छे से जप करने से क्या करना चाहिए, तो ये मन में चालू हो गया, नहीं मन से नहीं, फीलिंगली हृदय के साथ, हृदय के साथ यानी जप करने से पहले भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मैं आपके प्रसन्नता के लिए जप करना चाहता हूँ। और उन्होंने तीन मीनिंग बताए जो बता के मैं आगे का ये लेता हूँ। तो वहां पे वो उन्होंने बताया कि ओ राधा ओ कृष्ण प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, हे राधे हे कृष्ण मुझे आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। ये तो हमने सुना है कई बार, लेकिन यही चीज को अपना जप का गोल मानते हुए, यही चीज को अपना बैकग्राउंड मानते हुए और यही चीज प्राप्त करने हेतु हम जप कर रहे हैं,
हम जब किस लिए कर रहे हैं? राधा और कृष्ण का सेवा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज प्राप्त करने के लिए हम जप कर रहे हैं, और जप करने से पहले गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, गोस्वामियों से और पंचतत्व से, गोपियों से, सबसे प्रार्थना करते हुए कि मुझे ये चेतना दीजिए जिससे मैं जप कर सकूं भगवान का प्रसन्नता के लिए या फिर उनका सेवा में नियोजित होने के लिए, ये चेतना मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा करके अगर हम जप करेंगे तो वो चेतना के साथ हम जप कर सकते हैं, और इसमें मन को लगाने का जरूरत, मन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मन तो आता जाता रहता है। दूसरा उन्होंने बताया कि ओ माय फ्रेंड प्लीज एक्सेप्ट मी, 1968 का एक प्रवचन में प्रभुपाद बताते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे कृपया आप फिर से मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि मैं आपको छोड़ के आया हूँ, तो घर वापस आ रहा हूँ, तो आप अभी एक्सेप्ट कीजिए इस प्रकार से। और तीसरा बताया प्लीज ब्रिंग माई हार्ट क्लोज टू योर हार्ट, मेरा हृदय आपका हृदय के पास आ जाए, जैसे बता रहे थे कि ये हृदय में दूरी है साधक का और कृष्ण का, कृष्ण कुछ चाहते हैं हम भक्ति करें, कृष्ण चाहते हैं हम आध्यात्मिक जगत जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इंद्रिय भोग करूं, मैं चाहता हूं कि मैं कृष्ण से दूर जाऊं, मैं चाहता हूं मैं माया में फंसूं, तो मेरा हृदय मैं कृष्ण का हृदय के पास लेके जाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। और ये चेतना के साथ, हृदय का ये भावना के साथ जब हम ये जप करेंगे, देखिए सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जप इज चैंटिंग इज नॉट जस्ट इन द लिप्स, इट इज नॉट लिप सर्विस, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, इट कम्स फ्रॉम हृदय से जप आता है, हृदय से हमें पुकारना चाहिए। इसमें श्रवण रहेगा, अभी वो उदाहरण बताता हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि श्रवण और ये चेतना दोनों, हमें लग सकता है कि कैसे सुन सकता हूँ मैं सिलेबल्स को जबकि मैं ये चेतना प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई भक्त है उनके, हाँ ऐसा ना हो लेकिन उनके माता अभी ऑपरेशन थिएटर में है और कुछ ऑपरेशन चल रहा है, बहुत सीरियस है, और वो बाहर बैठे हैं ऑपरेशन थिएटर के और बैठ के जप कर रहे हैं, तो किस भावना से जप करेंगे? हे भगवान मेरे मेरे जो माँ है उनका सब ठीक हो जाए, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन क्या वो उस समय शब्दों को सुनेंगे? अरे बराबर शब्दों को सुनेंगे, हरे कृष्ण का हर सिलेबल को सुनेंगे और साथ ही साथ प्रार्थना भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंट क्लियर है, उनका चेतना, उनका इंटेंट, उनका इंटेंशन पूरा क्लियर है कि मुझे माता के लिए प्रार्थना करना है, वो हॉस्पिटल में है, अभी मेरा बस में कुछ भी नहीं है, केवल भगवान और हरिनाम मुझे बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं, तो हरिनाम के माध्यम से मैं भगवान का शरण ग्रहण कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो इसलिए उस समय पे वो सारे शब्द भी सुन सकते हैं और उनका इंटेंशन भी पूरा जप के भर रहे। तो वो बता रहे थे कि कभी कभी ये इंटेंशन जो है वो खो जाता है कि हे राधा हे कृष्ण मुझे आपका सेवा में लगाइए, हे भगवान मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए, हे भगवान मुझे आपका, मेरा हृदय आपका हृदय के पास आ जाए, इस प्रकार से आप मुझे वरदान दीजिए। तो हर माला के बाद ये चीज को रीकन्फर्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक बढ़िया बुक लिखा है जपा एफर्मेशंस, छोटा सा पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें और अच्छे से आपको ये चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, यस थैंक यू सो मच प्रभु जी। जस्ट वन मोर थिंग प्रभु जी, एक्चुअली आई मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ, सो आई कुडंट अटेंड दिस सेशन और मुझे ऑनलाइन का ही मिला नहीं, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कहीं मिल पाए? प्रशांत प्रभु ने अपलोड किया था, मुझे भेजा था वो लिंक्स, वो ग्रुप में डाल देंगे, मैं उनको बोलता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल आर अवेलेबल, शायद कुछ ऑनलाइन में कुछ अगर नहीं रहेगा, कल का क्लास भी मैंने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया था, आज का भी कर रहा हूँ, तो वो सारा अवेलेबल हो जाएगा जो भी है प्रशांत प्रभु। फाइन, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, कहाँ पे थे हम, कौन से श्लोक में? सुमंगल सका प्रभु, तेरह, ठीक है, तेरह का तात्पर्य हमने पढ़ा था ना, ओके, हाँ ठीक है, ओके, यस। ततः सविस्मय आवृष्टि वृष्टि रोमा धनंजय प्रणमा शिरसा देवं कृतांजलि अभासता। ठीक है, पुष्पगोपी माता जी पढ़िए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ठीक है, तो पहले अर्जुन और कृष्ण का एक मैत्री का भाव था, एक सखा का भाव था कि अर्जुन कृष्ण मेरे मित्र हैं, वो मुझे भगवद गीता के बारे में ज्ञान बता
प्राप्त दे रहे हैं, तो एक सखा या मित्र का भाव था। लेकिन अभी अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए इस प्रकार का रूप भगवान का देख के, और जैसे ही कृष्ण उनके सामने प्रकट नहीं है, और इसलिए साक्ष्य रस से क्या हो गया, अद्भुत रस में आ गए। और ये अद्भुत रस आगे जाके भयानक रस हो जाएगा, जब भगवान का काल रूप वो दर्शन करेंगे तब तो भयानक रूप है भगवान का वो। तो ये अद्भुत रस रहता है, जैसे पांच हमारे प्राइमरी रस रहते हैं और सात सेकेंडरी रस रहते हैं, तो उसमें से एक रस है अद्भुत रस, तो उसमें अर्जुन अभी जा रहे हैं। ठीक है, ये पढ़िए तात्पर्य। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो आगे अभी अर्जुन बताएंगे, ये सब में आगे बहुत ज्यादा तात्पर्य नहीं रहेंगे, सब खाली श्लोक और ट्रांसलेशन है, तो कोई एक भक्त अगर आगे पढ़ते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। फिर कौन पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, नंदराणी यशोदा माता जी, ठीक है आप पढ़िए फिर ये ट्रांसलेशन और तात्पर्य। ठीक, एक मिनट। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मणोऽसम् कमलयास्थानम् मृषींश्च सर्वान् अनुरागश्च दिव्यान्। ठीक है पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाक को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है था। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही संभव, भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। ठीक। अनेक बाहु उदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वत अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनः तो आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य, श्री कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब कुछ एक जगह दिख रहा था। कहाँ पे? कृष्ण वो विश्व रूप में ये सारा चीज देख रहा था। आगे जाके वो काल रूप के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा, तब तक ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि विश्व रूप में क्या क्या दिख रहा है। किरीटिनाम गदिनाम चक्रिनाम च तेज राशिम सर्वत दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष समान्तात् दीप्तानलो अर्क द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है।
तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, तो जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तमस्य विश्वस्य परमं निधानम, तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनत्वं पुरुष मतो मे। आप परम आद्य के वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण विश्व पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक श्री भगवान हैं, यही मेरा मत है। ठीक है। अनादि मध्यम अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहूं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुतास भक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य हाँ, भगवान एक मिनट तात्पर्य। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपके मुख से जो अग्नि निकल रहा है उससे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है। तो अब तक हम क्या देख रहे थे? विश्व रूप देख रहे थे। यहाँ पे क्या चालू हो रहा है? काल रूप। ठीक है, तो यहाँ पे काल रूप चालू होता है और अग्नि जैसे ये सृष्टि का अंत में संकर्षण के मुख से अग्नि निकल के पूरा ब्रह्मांड को ध्वंस कर देता है, उस प्रकार से ये काल रूप भी पूरा ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले हैं। एक मिनट, मैं आपको ये एक फोटो शेयर करता हूँ, थोड़ा सा जस्ट ऐसा देखने के लिए, ताकि इस साइड देखिए ये विश्व रूप है। ठीक है, 10 से लेके 19 में इसके बारे में चर्चा की गई और 20 में प्रारंभ करके अर्जुन अपने द्वारा देखे जा रहे हैं जो ईश्वर का काल रूप है। अभी देखिए इसमें ये विश्व रूप, देखिए विश्व रूप में अलग अलग देवता सब कुछ देख रहा है, ये तो ऐसे बाहर का छवि है, बट एनीवेज सारा चीज ब्रह्मांड पूरा दिख रहा है, ये आश्चर्य है। लेकिन एक मिनट क्या हो गया, विश्व रूप फोटोस ये नहीं, वो चला गया क्या? ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये जो रूप है काल रूप, इसमें भगवान के मुख से अग्नि निकल रहा है ना, सब चीज को ध्वंस कर रहा है। देख रहे हैं आप कितना लाखों करोड़ों है, और आगे भी उसका वर्णन आएगा किस प्रकार से उनके दांत में वो सबको चबा रहे हैं, ये सारा चीज आ जाएगा। बहुत भयानक रूप है ये काल रूप, ठीक है, जो सारे चीजों को नष्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। श्री भगवान ने षड ऐश्वर्यों की श्री भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने तथा परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। यहाँ पे वो अनेक शब्द या अनादि शब्द इस प्रकार से अनेक बाहु अनेक अनेक बार बार वो पहले बोलते हैं और कई जगह पे ये शब्दों का बार बार ये प्रयोग करते हैं अर्जुन, तो इसका कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दिव्या पृथिव्य इदमंत अंतरम ही व्याप्तिम त्वया एकेन देश च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रयाथितम महान्तम महात्मानम। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप प्रकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त स्थानों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो ये काल रूप है, इसको देख के सभी भयभीत हैं। ठीक है, इस श्लोक में पढ़िए। धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। पढ़िए पढ़िए। विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। श्री भगवान ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्वरूप को देखा। हाँ, तो सभी का प्रश्न था कि किसने देखा किसने नहीं देखा, है कि नहीं?
तो ये अद्भुत और भयानक है, ये जो काल रूप है ये अद्भुत भी है और भयानक भी है, क्योंकि आगे बताएंगे कैसे भयानक है। तो केवल अर्जुन ने विश्व रूप को नहीं देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने देखा। अन्य लोकों के वासी यानी स्वर्ग लोक इत्यादि, जिनके पास दिव्य चक्षु है उन्होंने देखा। अर्जुन को दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान किया, जो प्रेम चक्षु से निचला स्तर पर है, निचला स्तर पर है, और उससे अर्जुन ये रूप जो है देख रहे हैं। और जिन जिन को दिव्य दृष्टि मिला, किसको? भीष्म पांडव और बाकी सैन्य जो आचार्य बताते हैं उनको, और संजय को तो मिला ही हुआ है, तो इन सबको ये चीज दिखा। अमिहित्वाम सुरसन। अच्छा एक मिनट, सुमंगल सर आपको कोई प्रश्न है, बोलिए। हाँ ब्रो जी, मुझे पूछना था कि आप जैसे बोले कि अभी भगवान ने दिव्य दृष्टि से वो लोग को अपना रूप दिखाया, जो ये काल रूप है और विश्व रूप, तो हम जैसा देखेंगे ब्रो कि बाकी लोग जैसे जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे उन लोगों ने नहीं देखा कुछ कुछ, आप नहीं जैसे बोले कि नहीं नहीं क्योंकि जिन जिन को रावण। भगवान ने प्रदान किया ये, हाँ तो उन लोगों ने देखा, बाकी किसी को प्रदान नहीं किया तो उन्होंने नहीं देख पाए। तो ये मतलब प्रश्न था ब्रो, मतलब वो तो स्वयं फिर भगवान के दर्शन कर रहे थे, जो आप बोले कि प्रेम चक्षु से रिपीट दर्शन, कीजिए, थोड़ा क्यों आवाज सा ये क्लियर आवाज नहीं आ है। रहा है इतना, तो बैकग्राउंड हरे में किसी कृष्ण। का बहुत आवाज आ रहा है। ओके ओके ठीक है, अभी बोलिए। तो जी मैं बोला कि मतलब आप जैसे बोले जो भगवान का स्वयं रूप है वो तो प्रेम चक्षु से व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र के बाकी लोग जो है वो रूप का भगवान दर्शन करने दे रहे हैं लेकिन विश्व रूप का नहीं करने दे रहे, मतलब ऐसा क्यों? हाँ अच्छा प्रश्न है। देखिए जिसके पास चर्म चक्षु रहेगा और वो कृष्ण को देखेगा, वो क्या सोचेगा? ये तो साधारण व्यक्ति है। दुर्योधन भी देख रहा था ना, लेकिन वो मधुर रूप नहीं देख रहा था कृष्ण का। वो क्या सोच रहा था? अरे ये तो कोई छलिया है, ये तो कोई मजिशियन है, जो कि कई बार ये छल करके हमें इस तरह से माया माया मायावी है, ये तो एक मायावी है, ऐसा देख रहा। तो चर्म चक्षु से व्यक्ति कृष्ण को ऐसे, कृष्ण को जितने लोगों ने देखा उनका क्या प्रेम चक्षु था? नहीं, चर्म चक्षु से भी कोई देख देख भी रहा होगा, तो फिर क्या उसका चेतना क्या है? ये चक्षु मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का बात नहीं किया जा रहा है, ये एक चेतना है उसके बारे में बात, मतलब ये जो चक्षु है ये देखने का एक तरीका रहता है, वो बता रहे हैं। तो प्रेम चक्षु जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो गए, वो कृष्ण को अपना स्वरूप में देख सकता है, उसको ज्ञान रहता है ये भगवान है, इनका भक्ति करना चाहिए, यही हमारे सारे वेदों के सार है, और इनका भक्ति करके हम उनके धाम में जा सकते हैं, उनके सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार का सबका कंक्लूजन वैसा नहीं था, नहीं तो फिर युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ही तो बन के गए थे ना शांति दूत, फिर दुर्योधन क्यों युद्ध करता था? तो भगवान ने, बाकी लोग देख रहे थे भगवान को, कोई कोई अर्जुन के सारथी के रूप में देख रहे थे, कोई कोई मायावी के रूप में देख रहे थे, लेकिन ये जो चक्षु है ये मनुष्य के पास नहीं रहता है। तो सबके पास तो चर्म चक्षु है, उसमें किसी किसी के पास प्रेम चक्षु रहेगा, तो सबके दिव्य चक्षु तो इनके पास है नहीं, तो किसी ने उसको नहीं देखा। ठीक है, जिस जिसको भगवान ने चक्षु दिव्य चक्षु प्रदान किया उसने देखा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, एक और था, मतलब वो जो एक बार भगवान जब गए थे शांति दूत बन के, तो हाँ दुर्योधन को बंदी बना हाँ लिए थे, उसने अभी भगवान एक छोटा मतलब ये वाला नहीं, एक और विश्व रूप हाँ दिखाया, हाँ वही विश्व रूप दिखा उस है, समय काल रूप तो नहीं दिखाया था दुर्योधन, ना, हाँ उस दुर्योधन ने समय तो देखा था। दुर्योधन हाँ दुर्योधन ने देखा था और धृतराष्ट्र ने भी देखा था, क्योंकि भगवान ने चक्षु प्रदान किए थे तभी के लिए। चक्षु प्रदान किया, तो फिर अभी मतलब दुर्योधन नहीं देख पा रहा, इसका क्या कारण है? नहीं क्योंकि भगवान ने नहीं दिया, बस उतना ही, बाकी कोई कारण नहीं, भगवान अगर चक्षु देते तो देख पाता था, नहीं दे रहे हैं तो फिर नहीं देख पा रहे, बस उतना ही। उषा मात, उषा वाली माता जी, यस कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु हरे क्या कृष्ण। आप रिपीट कर पाएंगे कि कौन कौन देख पा रहे थे? जी हाँ अर्जुन देख रहे थे वो तो क्लियर है, संजय देख रहे थे ये भी क्लियर है, देवताएं देख रहे थे, महर्षिगण देख रहे थे, और आचार्य कहते हैं कि भीष्म और बाकी पांडव देख रहे थे। ठीक है, जी थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके। अमिहित्वाम पढ़ू मैं सुर, प्रभु जी? हाँ एक मिनट श्लोक यस पढ़ेंगे ना यस उसके। हाँ यस प्लीज। अमिहित्वाम सुरसंग विशन्ति केचित् अद्भुता प्रज्वल्य गृह्णन्ति, स्वसि उक्त्वा महर्षियो सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तोभि पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऋषियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़ लें। तात्पर्य
समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो ये बहुत ही भयानक है और भय से देवता स्वस्ति स्वस्ति यानी शांत हो जाइए भगवान, शांत हो जाइए भगवान, ये सारे जो है देवता इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कल्याण हो स्वस्ति स्वस्ति इस प्रकार से। रुद्रादित्य बसवोच साध्य विश्व चन्यामरुतश्चमश्च गंधर्व क्षर सुरसिद्ध संगा विक्षन्ति त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुद गण पितृ गण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव आप सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो ये आंसर है पूरा, कौन कौन देख पा रहे थे भगवान के इसमें। अभी इसमें अर्जुन का नाम नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, इस प्रकार से संजय का नाम नहीं है, बाकी जो देवता है मैं एक जनरल बता दिया, इनका डिटेल्स में है। शिव के विविध रूप आदित्य वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण पूरा डिटेल में है। हाँ क्या है प्रश्न माता जी? उषा वाली माता जी, यस हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है आपका? रूपम महत्ते बहुव्यक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहु रूपम आद्यम बहु उदरम बहु द्रष्टाकरालम दृष्ट्वा लोको प्रयत्थास्ति तहम। ठीक है पढ़िए। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंघा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गणों सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे आश्चर्य, पहले आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, आश्चर्य किसमें, जो विश्व रूप देखकर अभी विचलित हो रहे हैं, तो अद्भुत रस से अभी भयानक रस में उनका हो गया है। देखिए अर्जुन जो यहाँ पे भयभीत हो रहे हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय है, अर्जुन को असुरों से सेनाओं से आयुधों से कोई भय नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हॉरर मूवी देखने गए थे और उससे उनका जैसे भयभीत हो जाते हैं कभी कभी लोग उसको देख के, उस प्रकार के अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो एक क्षत्रिय है, लेकिन ये रूप इतना भयंकर है, ये काल रूप, उसको देख के अर्जुन भी भयभीत हो गए। नाभस्पिशम दीप्त अनेक वर्णम वक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रभयास्थित अंतरात्मा धृतम नव बिंदामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा। तो ये भगवान का चमकता हुआ आंख यहाँ पे बताया गया। तो चमक, रात में किसी का आंख चमकता है, अगर आप जैसे गाड़ी में जा रहे हो रात में, कोई जंगल है और अचानक से आपका लाइट गिरता है किसी पशु के ऊपर, उसका आंख चमकता है तो भय लगता है ना। जनरली जो भयंकर रहते हैं उनका आंख चमकता है, तो वो भगवान का चमकता हुआ आंख देखकर अर्जुन क्या हो गया, व्यथित हो गया। और दमष्ट्रा करालम, उनका आगे दमष्ट्रा करालम आएगा, उनके मुख से अग्नि जो है प्रकट हो रहा था और सारे चीज को जला रहा था। तो ये पूरा भयानक रूप है भगवान का, तो ये समझना चाहिए। दृष्ट्वा करालानि च चते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनाल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमीचत्वाम दृष्ट्र राष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहेबानि पालस्य संगे भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तस्सो सह समिद्धो युरोपि युद्धो मुखे वक्त्राणि च त्वर मणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद् द्वलग्न्य दशानन्तरेषु संदेश स्यन्ति चूर्ण्यते त
उत्तम संगे मांगे ऐसा उत्तम मांगे। हाँ यस। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। जब अर्जुन देख रहा था कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के सभी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं, यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। हाँ हरे कृष्ण। इसके बारे में आगे वर्णन आएगा कि विपक्ष के जो सैन्य सेनानी है उनका क्या, जो सैन्य नायक है उनका क्या होगा और जो अर्जुन के साथ है उनका क्या होगा इसके बारे में। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भीष्म द्रोण कर्ण बहुत जोर से एकदम उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और उनको भगवान ये काल रूप के दांत के नीचे उनका सर फट के वो जो है खून निकल रहा है। तो काल रूप मतलब क्या है, काल रूप काल के सामने कौन रह सकता है, काल सारे चीजों को नष्ट कर देता है। ये भौतिक सृष्टि में लोग कई थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसमें अपना जो है महत्ता अपना राजा राजा है या प्रजा है या सिकंदर है ऐसा सोचते हैं, लेकिन काल सब कुछ नष्ट कर देता है, यही दिखाते हैं भगवान इसमें। और तो ये जो है इस प्रकार से उनका जो सर जब फूटता है उनके दांतों के नीचे, मान लीजिए द्रोण भगवान के वो काल रूप में प्रवेश कर रहे हैं उनके मुख में और दांत से भगवान उसको तोड़ रहे हैं उनका सर को और बहुत उससे खून निकल रहा है और उसको अपने जीवा से वो चाट रहे हैं, कितना भयानक रूप होगा इस प्रकार से। तो द व्हील्स ऑफ टाइम ग्राइंड स्लोली बट एक्सीडिंगली फाइन, जो समय का चक्र है काल चक्र है वो बहुत बारीकी से पीसता है चीजों को। तो ये चीज हम सुनते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे संकेत दे रहे हैं भगवान अर्जुन को कि पांडव भगवान के मुख में प्रवेश नहीं कर रहे, ना ही अर्जुन प्रवेश कर रहा है, लेकिन जो लोग इस युद्ध में नष्ट होने वाले हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब अर्जुन आगे जाके युद्ध को जीतने वाला है, ये भी जीत का एक संकेत भगवान उसको देख रहे हैं। और आगे ये जो दो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं जो अर्जुन के साइड में भी कुछ लोग हैं, जो पिछला श्लोक में बताया जिनका मृत्यु हो रहा है और जो भगवान के मुख में घुस रहे हैं, और जो कुरुओं के साइड में कौरवों के साइड में जो योद्धा है वो भी कुछ भगवान के मुख में घुस रहे हैं। तो दोनों का अलग तरीके से घुस रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे दो श्लोक, ये श्लोक और अगला श्लोक में चर्चा हो। यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिव्यजलन्ति। पढ़ी। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोगा स्थवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है, इसमें आगे दो ही श्लोक है, ये हम ले लेते हैं और फिर इस पे वापस आएंगे। लेली यसे ग्रसमानं समन्तत् लोकान् समग्रान् विदैन ज्वलन्ति तदैभि अपूर्व जगत समग्रम भास तव उग्र प्रतिपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल ज्वलंती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही मे को भवानुग्र रूप नमस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुम इच्छसि भवन्तम आद्यम नहि प्रजानामि त्व प्रवृत्तम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हूँ। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हाँ ठीक है, तो ये चार श्लोक को हम एक साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो योद्धा अर्जुन यानी पांडवों के साथ थे, वो इस प्रकार से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे, उसका उदाहरण दिया गया है, जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करता है। अच्छा, जब नदी समुद्र में प्रवेश करता है, क्या हम बोलते हैं कि अरे ये नष्ट हो गया? नहीं बोलते वैसा, नदी समुद्र में प्रवेश कर गया तो ठीक है। लेकिन अगर पतंग कोई ज्वाला में, कोई अग्नि में प्रवेश करता है तो पूरा जल के राख होकर नष्ट हो जाता है। तो कौरव लोग जो भगवान के मुख में प्रवेश हो रहे थे, वो उस प्रकार से देख रहे थे कि जैसे कोई पतंग जाके अग्नि में प्रवेश कर रहा है उस प्रकार से। और नदी तो स्वाभाविक रूप से जो है प्रवेश करते हैं इसमें, सागर में, उसमें कुछ ये नहीं। तो जो भगवान को घृणा करते हुए लड़ रहे थे, वो उस प्रकार का गति प्राप्त कर रहे थे। और अर्जुन को देखिए, यहाँ आगे जाके वो भूल जा रहे हैं, वो नमस्कार कर रहा है, बोल रहे हैं कौन है आप भगवान, तो रूप आप कौन है, हे भगवान। तो वो कृष्ण सामने अप्रकट है, मतलब दिख नहीं रहे, हालांकि हैं, लेकिन ये काल रूप देखकर अर्जुन भूल गया कि अरे ये तो कृष्ण का ही रूप है और मैंने ही उनको बोला था कि ये रूप प्रकट करो। और पूछ रहे आप क्यों यहाँ पे आए हैं, आप भगवान हैं, आप क्यों यहाँ पे आए हैं। जैसे ये दोनों तो हमने चर्चा कर लिया, अभी यहाँ पे देखिए, ले लिया से, हे विष्णु मैं देखता हूँ कि आपके प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोग निगले जा रहे हैं, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसती किरणों के सहित प्रकट हो जा रहे हैं। और आगे, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। तो अर्जुन इतना भयभीत और है ना मोहग्रस्त हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं इस रूप को देख के, भूल ही जाते हैं कि अरे उन्होंने ही तो खुद बोला था कुछ श्लोक पहले कि भगवान मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए थोड़ा, है ना। वो भूल जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं। तो बोलते हैं आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा आप करके आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, आप क्यों प्रकट हुए हैं इतना खतरनाक रूप लेके। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो भयभीत यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये अंत होता है यहाँ पे काल रूप जो 20वें श्लोक से चालू हुआ था, जिसका डिस्क्रिप्शन। और अभी आगे श्री भगवान उवाच, एक्चुअली भगवान ने काल रूप के रूप में जो भगवान है वो आगे बताएंगे कि मैं कौन हूँ। ये अर्जुन ने पूछा ना कि आप कौन है, आपका प्रयोजन क्या है, वो भगवान अगले 3-4 श्लोक में बताएंगे। फिर अर्जुन का प्रार्थना होगा और फिर अगले 5 श्लोक में हम देखेंगे कैसे शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कर। ठीक है, आज का कक्षा का विराम हम यहीं पे देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, हाँ ठीक है, मतलब पूछिए क्या प्रश्न। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मैंने बोला हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही। यस मैम, हमारे जो बाकी बुक्स क्वेश्चंस बाकी है उसके आंसर्स। हाँ हाँ वो करेंगे, और एक जो हमने शायद 3 चैप्टर कर लिया था, 7, 8, 9 कर दिया था, तो 10 तो अभी खत्म हुआ, आज 11 हुआ है, फिर 12 होगा, तो अगला 1-2 क्लास में, 3 क्लास में 11th, 1 क्लास में 11th खत्म होगा, 2 क्लास में 12th खत्म होगा, फिर आखिरी 1 क्लास बचेगा तो उसमें कर सकते। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण।